नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरु रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में देश भर से नागरिक ले सकेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से कोविड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्थान खोलने का लिया गया निर्णय। राजधानी शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, तमिलनाडु सरकार का जलाया पुतला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरु रविदास जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि गुरु रविदास एक महान आध्यात्मिक संत थे जिन्होंने लोगों को सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके आध्यात्मिक विचार व शिक्षाएं आज भी समाज को प्रेरणा देती है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास ऐसे महान संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को शांति, सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा और सामाजिक समानता जैसे गुणों को अपनाने का आग्रह किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब से वह नियमित रूप से कुछ समय के लिए तय दिन में पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। इसके लिए संगठन की ओर से सभी मंत्रियों के लिए एक व्यवस्था बना दी जाएगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते वह शिमला के कार्यकर्ताओं से सचिवालय व अन्य कार्यक्रमों में नियमित मिलते रहते हैं और कोई भी कार्यकर्ता बिना किसी रुकावट से उनसे मिलता है, लेकिन जैसा कि पार्टी ने तय किया था कि मंत्री पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे तो उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब से वे नियमित रूप से कुछ समय के लिए तय दिन में पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। इसके लिए संगठन द्वारा सभी मंत्रियों के लिए एक व्यवस्था बना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता के हित में बेहद से निर्णय लिए गए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी कदम उठाए गए। बिजली की दरों में राहत देने के साथ साथ भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में परिवर्तन किया है। भारद्वाज ने कहा कि शिमला और साथ लगते क्षेत्रों में गृह निर्माण और विकास के अन्य प्रकल्पों के लिए शिमला डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट आ गया है जो जल्दी ही अंतिम रूप लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शहर को उन्नत और विकसित बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के कारण वे शिमला के कार्यकर्ताओं से सचिवालयों में और अन्य कार्यक्रमों में नियमित मिलते रहते हैं और कोई भी कार्यकर्ता बिना किसी रुकावट से उनसे मिलता है, लेकिन जैसा कि पार्टी ने तय किया था कि मंत्री पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे, उसकी शुरुआत आज से शुरू की गई है। भारद्वाज ने बताया कि पार्टी कार्यालय में स्थानीय कार्यकर्ता पार्षदगण मिलने आए थे और विकास के कामों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शिमला शहर व साथ लगते स्थानों पर नगर निगम, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेहद से काम हुए हैं और प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि शिमला के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना निर्माण पर बल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है। दिल्ली पार्टी ऑफिस में भी केंद्रीय मंत्री जो है वो पार्टी ऑफिस में जाकर के जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की ग्रीवेंसीज को सुने, ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई है। कभी कभी वहाँ पर भी पार्टी के मंत्री बैठते हैं। ऐसा ही एक चर्चा में जो है वो प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो, तो हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री सुदान सिंह जी और हमारे प्रभारी हैं श्री अविनाश राय खन्ना जी,
उन लोगों ने जो है वो ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी के जो कार्यालय हैं प्रदेश में, उस कार्यालय में बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन कई बार जो है वो मंत्री सचिवालय में नहीं मिलेगा, या उनके काम जो होते हैं वो उनका जो है वो परिचय उस ढंग से नहीं होता है, सचिवालय में जा नहीं सकता है। तो एक निश्चित दिन पर जो है वो मंत्री पार्टी कार्यालय में जा करके जो है वो बैठे हैं और जो कार्यकर्ता वहाँ पर आते हैं उनकी ग्रीवेंसीज सुने और उनको जो है वो रिड्रेसल जो है वो कर दिए जाए। तो इस दृष्टि से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पार्टी की एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई थी और विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें इस प्रकार की जो है चर्चा हुई, निर्देश हुए और उसके बाद ये पार्टी और सरकार को तय करना था कि किस किस दिन जो है वो कौन यहाँ पर बैठेगा। लेकिन शायद विभिन्न कारणों से, बर्फबारी इत्यादि के कारण जो है वो निश्चय नहीं हो सका। कल मंत्रिमंडल की बैठक में भी जो है वो इनफॉर्मल चर्चा हुई थी इस बात पर, तो उसमें जो है वो मैंने ये उचित समझा कि मैं शिमला विधानसभा से जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ और शिमला में रहता हूँ, तो इसलिए मैं ही इसकी शुरुआत कर दूँ। इसलिए आज जो है वो पार्टी ऑफिस में अनाउंस करके डेडिकेटेडली इसी काम के लिए जो है वो यहाँ पर आया हूँ, ताकि लोगों जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आकर के अपनी जो है वो बात कर सकें, उनकी जो है वो ग्रीवेंसीज को दूर करने का जो है प्रयत्न यहाँ पर विभिन्न कार्यालयों से, विभिन्न अधिकारियों से करने का प्रयास किए जाएंगे। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सरकार और संगठन के लोगों का जो है वो लगातार जो है संवाद जो है वो बना रह सके, उसको दूर करने के लिए जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। एडीसी शिमला शिवम प्रताप सिंह ने स्थानीय बचत भवन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबलिंग, विपणन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और जिला भर से आए सभी स्वयं सहायता समूह से गहनता से विचार विमर्श किया। उन्होंने विपणन संबंधी समस्याओं पर स्वयं सहायता समूह के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। एडीसी ने जिले से आए स्वयं सहायता समूह के साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण और पंजीकरण संबंधी समस्याओं पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से कोविड नियमों की पालना के साथ सभी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। 17 फरवरी से प्री प्राइमरी नर्सरी केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खुल सकेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोला जा सकेगा। मार्च 2020 के बाद नर्सरी केजी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे पहली बार पहुंचेंगे। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सरकार के सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला था। काफ़ी समय से हमारी भी जैसे बातचीत हो रही थी सभी पेरेंट्स के साथ, और इवन बच्चों के भी अब तो ऐसी इसी तरह की सोच थी छोटे बच्चों की भी कि अब स्कूल में बुला लेना चाहिए। और एक अच्छी बात ये है कि कोरोना से थोड़ी बहुत निजात मिली है, तो इसमें सरकार का बहुत बहुत, ये मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से भी धन्यवाद है कि स्कूल्स को अब खोल रहे हैं फिजिकल मोड में। जहाँ तक SOPs की बात है, SOPs हमने समय समय पर इशू किए हैं, और ये बहुत बड़े, जो मैं कहूँ कि इसमें कवरिंग अम्ब्रेला जो SOPs हैं वो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रहते हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोज ऑल्सो हमने अपने विभाग के भी SOPs इशू किए होते हैं। अभी इमीडिएटली हम कुछ और भी इशू कर रहे हैं कि जैसे बच्चों के आने का और जाने का समय उसको थोड़ा स्टैगर कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। बच्चों की मॉर्निंग असेंबली को अभी तक अवॉइड किया जाए, मॉर्निंग असेंबली ना हो। रिसेस का जो टाइम है जहां पर उनको लंच ब्रेक हम कहते हैं, तो उसमें भी सभी टीचर्स उनका ध्यान रखें, अलग अलग उसमें वो टाइमिंग रख सकते हैं या क्लासरूम्स में उनको वो बिठा करके उनकी रिसेस या लंच ब्रेक वो कर सकते हैं। तो इस तरह के SOPs हमारे बिल्कुल, हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्क कंपलसरी रहेगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा भीड़ वाली बसेस में या जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं उनमें ना जाने के आदेश दिए जाएंगे। और पेरेंट्स के साथ भी मैं ये चाहता हूँ कि इन सब बातों को तभी हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं
जब हमें पेरेंट्स का और सोसाइटी का सबका पूरी तरह से सहयोग मिले। और मैं समझता हूँ कि हमारे पेरेंट्स, हमारे पूरे स्टेट के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बिल्कुल चिंतित रहते हैं और वो इन चीज़ों को मानेंगे भी और बच्चों को घर में भी गाइड करेंगे और थोड़ा सा रास्ते में भी उनकी एक्टिविटीज़ को वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से, मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ, रादर इस चीज़ को एश्योर भी करना चाहता हूँ अपने सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और सब जो बच्चों के अभिभावक हैं उन सबको, कि स्कूल में जब तक बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। स्कूल में हम बिल्कुल उनको फॉलो करवाएंगे सब के सब SOPs, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, कोरोना से बचने की गाइडलाइंस है। न्यायमूर्ति इंद्र सिंह मेहता को राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी है। जस्टिस मेहता ने मंगलवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। यह पद जुलाई 2020 से खाली चल रहा था। वह 2014 से अप्रैल 2020 तक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। जस्टिस मेहता मूल रूप से किन्नौर जिला की मुरंग तहसील के लिप्पा गाँव के निवासी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में देश का हर नागरिक व वर्ग जुड़ सके, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि यह प्रतियोगिता बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता से जहां लोगों को प्राइज जीतने का अवसर मिल रहा है, वहीं माई वोट इज माई फ्यूचर और पावर वोट जैसे नारों के माध्यम से वोट के महत्व को भी समझने का अवसर मिल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रतियोगिता को 5 श्रेणियों में आयोजित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के तहत लाखों रुपए के प्राइज जीतने का मौका देश के हर नागरिक को मिल रहा है। इसके लिए आगामी 15 मार्च तक इच्छुक व्यक्ति को अपनी पसंदीदा फील्ड में प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा और तय फॉर्मेट और समय के मुताबिक उसे ईमेल पर भेजना होगा। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया कि ये प्रतियोगिता बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता से जहां लोगों को प्राइज जीतने का अवसर मिल रहा है, वहीं माय वोट इज माय फ्यूचर और पावर वोट जैसे नारों के माध्यम से वोट के महत्व को भी समझने का अवसर मिल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस प्रतियोगिता को 5 श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। सभी श्रेणियों में 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। 5 श्रेणियों में पहली क्विज प्रतियोगिता, दूसरी वीडियोस बनाना, तीसरी गीत प्रतियोगिता, चौथा स्लोगन प्रतियोगिता और पांचवा पोस्टर डिजाइन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी 5 श्रेणियों की इस प्रतियोगिता में कोई भी एक व्यक्ति सभी में हिस्सा ले सकता है, बशर्ते एक श्रेणी में उसका एक ही आवेदन होना चाहिए। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ई प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। क्विज प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले प्रतिभागी को 3 चरण पूर्ण करने होंगे, उसके बाद उन्हें इनाम मिलेगा। मतदान पर बेहतर वीडियो बनाने वालों को 2,00,000, 1,75,000 और 30,000 की राशि दी जाएगी। ये इनाम तीनों वर्गों में निकाले जाएंगे। वहीं गीत प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को 1,50,000, 30,000 और 15,000 इनाम निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्लोगन प्रतियोगिता में इनाम के तौर पर 20,000, 10,000, 7,500 और 2,000 रुपए इनाम निर्धारित किया गया है। पोस्टर डिजाइन में इनाम 50,000, 30,000, 20,000 और 10,000 है। इसका पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो है वोटिंग की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये जो कंटेस्ट है, इसकी जो टाइमलाइंस है, ये 25 जनवरी से 15 मार्च 2022 तक हैं। और जो थीम है, माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ वन वोट, और ये कंटेस्ट जो है 5 थीम्स हैं अलग अलग जिसपे हो रहा है। थीम तो एक ही है, 5 डिफरेंट तरह के कंटेस्ट हैं, जिसमें क्विज के ऊपर है, दूसरा वीडियो मेकिंग है, थर्ड पोस्टर डिज़ाइन है, फोर्थ सॉन्ग कंटेस्ट है और 5वां स्लोगन कंटेस्ट है। इसमें डिफरेंट प्राइजेज हैं और ये नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन हो रहा है। और हम बिलासपुर की तरफ से चाहते हैं कि यहाँ पे हम स्कूल के बच्चों को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, आंगनवाड़ी के थ्रू, आशा वर्कर के थ्रू जनमानस तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, खासकर स्कूल और कॉलेज के, पार्टिसिपेट कर सकें और एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। और हम उम्मीद करते हैं कि एक इस कंटेस्ट में कुछ बिलासपुर ज़िले को कुछ ना कुछ, किसी न किसी कंटेस्ट में कुछ प्राइज ज़रूर मिले। दूसरा, एक स्टेट लेवल पे भी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो ज़िले के 12 ज़िले हैं उसमें भी हम चाह रहे हैं कि बिलासपुर में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके, ताकि स्टेट का जो अवार्ड है वो भी स्टेट को मिल सके।
किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की किसानों के प्रति उदासीन रवैये की कड़ी निंदा की है। समिति के संयोजक संजय चौहान ने कहा कि आज जब किसान विशेष रूप से सेब बागवानों को खाद की आवश्यकता है, लेकिन सरकार आवश्यकता अनुसार कोई भी खाद उपलब्ध नहीं करवा रही है और मजबूरन बागवानों को खुले बाजार से महंगी व निम्न गुणवत्ता वाली खाद लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि सरकार किसान व बागवान विरोधी नीतियों के चलते कृषि व बागवानी के क्षेत्र में सहायता व सब्सिडी में कटौती कर रही है, जिससे प्रदेश में कृषि का संकट पैदा हो गया है। संजय चौहान ने कहा कि सरकार यदि तुरंत किसानों को उचित कीमत पर मांग अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करवाती है तो किसान संघर्ष समिति किसानों को लामबंद कर सरकार की इन किसान व बागवानी विरोधी नीतियों व रवैये के विरुद्ध संघर्ष करेगी। आप देखें, आज प्रदेश के अंदर किसान को जो है वो अपने खेत में खाद डालने की आवश्यकता है और विशेष रूप में जो सेब का बागवान है वो इस बर्फबारी के बाद जो है उसको खाद डालने का आवश्यक कार्य करना है, परंतु कोई भी खाद जो आज उसको आवश्यकता है वो जो है उपलब्ध नहीं है पूरे प्रदेश भर के अंदर। विशेष रूप में जो पोटाश खाद है, इसके अलावा जो एनपीके 12-32-16 है, एनपीके 15-15 है, जो इस समय जो है वो सेब के बगीचों में डाली जाती थी वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। और प्रदेश सरकार के द्वारा ये खाद जो है हिमफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती थी, परंतु प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये के चलते अभी जो है वो ऑर्डर्स भी जो है वो प्रॉपरली जितनी मांग है उसके अनुरूप जो है ऑर्डर्स भी हिमफेड ने दिए नहीं है। और इससे लगता नहीं है कि बागवान जो है विशेष रूप में जो सेब की खेती करता है वो जो है समय रहते जो है वो अपने बगीचों में खाद डाल पाएगा, और जिसके चलते जो है आने वाले समय में प्रदेश के अंदर जो सेब की आर्थिकी है, जिसका महत्वपूर्ण योगदान सेब की अर्थव्यवस्था प्रदेश की अर्थव्यवस्था में है, उसके उत्पादन और उत्पादकता में कमी आएगी, जिसके चलते जो है एक बड़ा संकट जो है ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक रूप से आएगा। दूसरा, यदि आप देखें गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है जो खाद्य बाजार में उपलब्ध है उनकी कीमतों में जो है भारी वृद्धि की गई है। जो कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो का बैग जो गत वर्ष जो है 1150-1150 रुपए का मिलता था वो इस वर्ष जो है 1300 से लेकर 1750 रुपए तक मिल रहा है। इसके साथ साथ जो एनपीके 12-32-16 खाद है जो गत वर्ष जो है 1200 रुपए जो एक बैग मिलता था वो जो है 1750 का कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पोटाश का कट्टा है 1150 रुपए जो गत वर्ष मिलता था उसका रेट भी जो है 1750 कर दिया, बावजूद इसके जो है वो उपलब्धता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और मांग अनुसार उचित कीमत पर जो है वो खाद उपलब्ध करवानी चाहिए। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस पर सब्सिडी विड्रॉ की है वो जो है उसको तुरंत बहाल किया जाए ताकि किसानों को बागवानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध मिले। बिलासपुर बस अड्डा चौक पर लगाए गए ITMS कैमरे पुलिस प्रशासन के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। ट्रैफिक नियमों ही नहीं बल्कि यह कैमरे आपराधिक मामले सुलझाने में भी पुलिस प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इस कैमरे से 15 दिनों के भीतर 328 लोगों के चालान काटे गए हैं। कुछ दिनों पहले ही बिलासपुर के नौणी चौक पर एक गाड़ी चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी और कार चालक मौके से फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ समय में ही मामला सुलझा लिया था। ऐसे में अगर कोई आपराधिक घटना पेश आती है तो पुलिस के लिए ITMS कैमरे किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में बिलासपुर बस अड्डे में आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने की कड़ी में ITMS कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पुलिस को काफी मदद मिल रही है। मीडिया से मुखातिब होते हुए DSP बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि कैमरों को स्थापित किए 15 दिन हो चुके हैं, जिनकी मदद से शहर में 328 लोगों के ऑटोमेटिक चलान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि ये कैमरा नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ खुद कार्रवाई कर रहा है और ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उसका जो मेन जो पर्पस है वो जो ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है और ओवर स्पीडिंग में जो चालक जो गाड़ी चलाते हैं उनको दुर्घटनाओं से रोकने के लिए जो इसको एस्टैब्लिश किया गया और इसके तहत जो ऑटोमेटिकली जो चलान भी
इसके हो रहे हैं। तो अभी तक इसके तहत जो बिलासपुर शहर में जब से इसको एस्टेब्लिश किया गया है 328 जो चलाना हो चुके हैं, तथा इसके लिए अलावा ये जो कैमरा है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और इससे हमें जो अपराधी कोई भी अपराध करके गाड़ी लेके भागता है तो ये इसके जो कैमराज है वो उस अपराध को डिटेक्ट करने में हमारी जो है मदद हो रही है। इसमें मैं आपको ताज़ा अभी रिसेंटली एक गाड़ी जो नौणी के पास से एक आदमी को कुचल कर जो भागी थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हम उन कैमरों में हमारी जो नंबर रीड नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने उसका टाइमिंग और उसके हिसाब से इसको चेक किया तो यहाँ पर जो ITMS में जो हमारा कैमरा है इसने उसका नंबर जो क्लियर कट हमें को दिया, तो उसके तहत जो है हमने आगे को वर्कआउट करके जो असली जो अपराधी था वहाँ तक पहुँचे थे। तो इस तरह से ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है अपराध को अपराधियों को पकड़ने के लिए। तमिलनाडु के एक स्कूल की एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव व उसकी आत्महत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और रोष स्वरूप तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका और घटना की CBI जाँच की मांग की। तमिलनाडु में एक स्कूल की छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव व उसकी आत्महत्या की घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया व तमिलनाडु सरकार का पुतला जलाया और घटना की CBI जांच की मांग की। ABVP प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने बताया कि तमिलनाडु में एक मिशनरी स्कूल के अंदर लड़की को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। उसने जब धर्मांतरण की शर्त नहीं मानी तो उसे कई तरह की यातनाएं दी गई और आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब मृतक को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और घटना की CBI जांच की मांग कर रही है। बीते दिनों तमिलनाडु के अंदर जो जबरन धर्मांतरण का घटना एक स्कूल के अंदर सामने आई है, सैक्रेड हार्ट का वो स्कूल जहां पर 15 वर्ष की छात्रा लावण्या के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था, जब उस बेटी ने अपने हिंदू धर्म को छोड़ने से मना कर दिया, उसके ऊपर कई प्रकार की प्रताड़नाएं स्कूल प्रशासन द्वारा लगाई जाती हैं, कई बार उसे टॉयलेट साफ करवाए जाते हैं, कई बार उसे वहां पर साफ सफाई का काम करवाया जाता है, मारपीट उसके साथ की जाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां उस बेटी ने वहां पर समस्याओं का सामना किया। इन यातनाओं को सहने के बाद जब प्रशासन ने अति कर दी तो उस बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जहर खाकर जिस तरह उस बेटी ने अपना मरते मरते जो स्टेटमेंट दी है कि स्कूल प्रशासन द्वारा जो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, उस दबाव को सह नहीं पाई हूँ, मैं उस दबाव के आगे आत्महत्या करने को मजबूर हो गई हूँ, यह घटना इस देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। उस लावण्या को न्याय दिलाने के लिए पिछले कल तमिलनाडु के अंदर विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद धरना कर रही थी। उस धरने को असंवैधानिक रूप से वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डालने का काम किया। यह सीधे रूप से संविधान की भी हत्या है, जो लोकतंत्र के रखवाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लावण्या के ऊपर वो चुप क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आज मैं समाज के बीच छोड़ता हूँ। आज हमारे को पहचानने की आवश्यकता है कि वो सेकुलर जो बनने का ढोंग रचते हैं वो केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही क्यों अटैक करते हैं। बहन लावण्या को न्याय दिलाने की यह लड़ाई, निर्णायक लड़ाई विद्यार्थी परिषद लड़ेगी। आज पूरे देश भर के अंदर हमारा आंदोलन चला है और हमारी सीधी मांग है कि जो CBI जांच को लेकर वहाँ की सरकार आनाकानी कर रही है उस मुद्दे के ऊपर CBI जांच करवाई जाए और बहन लावण्या को न्याय दिलाया जाए।
हमीरपुर चयन आयोग ने 229 पदों पर भाषा अध्यापकों को 12 नवंबर 2021 को चयनित किया है, जिसमें से केवल 4 जिलों में 29 भाषा अध्यापकों को नियुक्ति दी है, जबकि 200 भाषा अध्यापक लगभग 3 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिससे भाषा अध्यापकों की नियुक्ति अधर में लड़ गई है। ऐसे में भाषा अध्यापकों में सरकार के प्रति भारी रोष है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सरकार रोजगार देने के बजाय युवाओं से भद्दा मजाक कर रही है। पोस्ट कोड 814 के तहत हमीरपुर चयन आयोग ने 229 पदों पर भाषा अध्यापकों को 12 नवंबर 2021 को चयनित किया है, जिसमें से केवल 4 जिलों में 29 भाषा अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जबकि 200 भाषा अध्यापक लगभग 3 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कमीशन पास करने के बाद भी नियुक्ति न मिलना सरकार और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। शिक्षा विभाग की लापरवाही इन भाषा अध्यापकों पर भारी पड़ रही है। 200 भाषा अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें कमीशन ने चयनित किया है, लेकिन अब स्कूलों में पद खाली न होने के कारण इन्हें नियुक्ति ही नहीं मिल रही है। मंगलवार को भाषा अध्यापक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने सचिवालय पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में नहीं थे, जिस कारण भाषा अध्यापक हताश हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए भाषा अध्यापकों ने अपनी आपबीती सुनाई। हम भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 चयन बोर्ड हमीरपुर से हमारा चयन हुआ है। हम भाषा अध्यापक नियुक्ति के बारे में राज्य सचिवालय में आए हैं, पिछले कल आए हैं, हम 2-3 बार आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। 12 नवंबर 2021 को हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, उसके पश्चात आज चौथा महीना शुरू हो चुका है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसलिए हम आज पिछले कल मुख्यमंत्री जी से सुबह मिले हैं, शाम को हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, एजुकेशन डायरेक्टर से पंकज ललित जी से मिले, और आज अभी हम एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिलने वाले हैं। हम नियुक्ति के बारे में मिल रहे हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। 229 हम भाषा अध्यापक थे जिनका चयन हुआ था, जिनमें से कि 31 लोगों का जो है अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, और बाकी के जो लगभग 198 या 200 के करीब हम बचे हैं, जिनके ऊपर अभी नियुक्ति देनी बाकी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। तो इसलिए हम इसके बारे में विचार करेंगे। अभी हम आज मिले हैं, अभी हम एजुकेशन सेक्रेटरी से मिले हैं, तो हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पर, एजुकेशन मिनिस्टर पर, सेक्रेटरी जो भी डिपार्टमेंट पर, कि वो बहुत जल्द हमको नियुक्ति देंगे। फातिमा की सर, हम कहां नहीं भटके हैं, और अब तो ऐसा एहसास होता है कि हम जैसे हम में कोई योग्यता नहीं है और हम भीख मांग रहे हैं। योग्यता होने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम इनसे भीख मांग रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सीएम साहब जाते हैं या शिक्षा मंत्री जाते हैं, हम वहाँ वहाँ जाकर इनसे मिलते हैं। हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि लगा देंगे, इसके ऊपर कार्य प्रगति पर है। जैसे पीछे जैसे हम लोग 1 फरवरी को भी गए थे प्रारंभिक निदेशालय कांगड़ा, तो वहाँ से उन्होंने सीधा ही कहा था कि हमारे पास अभी रिक्त पद नहीं है, जैसे ही रिक्त पद होंगे आपको नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी। शायद लगता है कि अब सब्र का बांध टूटने वाला है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। बस फिर हम फिर भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं कि सारा काम हमारा शांतिपूर्वक हो जाए, पर लगता है हालात और हालत देख के कि शायद ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि नियुक्तियां तो ये नहीं दे रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।